किसी गली या घर में पानी के नल से टपकती बूंदों की उदासी हो, या फिर दिन भर की थकान के बाद कुर्सी ने ली उबासी हो, उन्मुक्त गगन के पंछियों का खुशी से चहचहाना हो, या किसी परिंदे का मस्ती में पंख फड़फड़ाना, कुदरत ने तो सन्नाटे को भी संगीत से नवाजा है। बरसात की बूंदों को किसी राग पे आसमान से उतारा है और आग को किसी राग पे जलना सिखाया है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को इसे बता पाने का, गा पाने का हुनर दिया है, तो किसी को सुनकर सुकून पाने का। म्यूजिक की नई आवाज इसी सुकून की हदें छूने को है, क्योंकि सिंगिंग सुपरस्टार आने को है। वेलकम टू हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार। कौन है वो जिसकी आवाज में क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियों के साथ साथ नए जमाने का जोश भी है? खुद को खुशी देने के साथ साथ लोगों को भी एंटरटेन करने की क्षमता है। संगीत के उस एक सरताज को ढूंढने के लिए हमने दुनिया भर के कई शहरों में ऑडिशंस किए। शुरुआत हुई मुंबई से। मुंबई में हजारों सिंगर्स लाइन में खड़े हैं, सबको बनना है सिंगिंग सुपरस्टार। मुंबई, क्या बनना है? किससे बनना है? कौन बनाएगा? और कब बनना है? अभी। So what are we waiting for? Let's go! जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों कंटेस्टेंट्स जमा हुए हैं, अपने रियाज पे भरोसा रखकर, am I right? Yes, sir! यकीन है अपने सुरों की सच्चाई पर? Yes, sir! तो अगर इस मंच की ओर आगे बढ़ना है तो ये यकीन आप लोगों को हमारे जजेस के दिल में भी पैदा करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जजेस है से राइजिंग स्टार चुनने के लिए जूरी अपनी जगह ले चुकी है। ओके, हम बॉम्बे आए हैं और ख्वाहिश है, तमन्ना ये है कि हम यहाँ का सिंगिंग सुपरस्टार ढूंढ ले। गाइस, व्हाट डू यू थिंक, चांस है? 100% यहाँ की जमीन जो है बहुत सुरीली है, आज वी विल हैव अ रॉकिंग टाइम। या आई एम श्योर वी विल फाइंड अ फैंटास्टिक वॉइस फ्रॉम द सिटी। कैन वी हैव आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज? मेरा नाम शांतनु भट्टाचार्य है, मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। बचपन में गाया करता था, तो जैसे पिक्चर में गाते थे वैसे मैं सेम गा लेता था, सब नहीं गा पाते थे, तो मेरी मम्मी ने बोला सब नहीं गा पाते वैसे, तुम्हें गॉड का गिफ्ट मिला। मैं कभी किसी से कम नहीं होना चाहता, मुझे बेस्ट होना। अगर मैं कुछ गुस्सा हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता हूँ। पहले आए हो, पहले पहले आने वाले को बहुत वो होता है ना,
उसमें जिगरा चाहिए। Where are you from, बाबा? सर, बॉम्बे। हम क्या सोच रहे हैं कि आप कितनी दूर से हैं, क्योंकि आप चप्पल पहन के आए तो ऐसा लग रहा है कि आप घर से उतर के डायरेक्टली यही आसपास हैं। कौन सा गाना गा रहे हो शांतनु? आओगे जब। सुर टेम्पो सब चेक करके फिर शुरुआत कीजिए। एफ शार्प। आओगे जब तुम साजना आंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना आंगना फूल खिलेंगे, सर ममा गानी निर घर निधा निर नि मधनी धा धनी धनी रे पापा मा मध धमरे मगा धनी सा सरे ग सारे प प प म अंगना फूल खिलेंगे, मम पानी सानी म पानी नी सा सा रे प प म म गरेगा। यार दोस्त कुछ बात है आप में, यार दिल खुश कर दिया आपने। कुछ तो फैसिनेटिंग सर है। और बाद में वो मध्यम के बाद वो बाद में पंचम पे जाता है तो जो स्माइल आती है आपकी आवाज पे, कुछ है आपके बारे में? शांतनु, मुझे लग रहा था कि आप किसी को इमेजिन कर रहे हो और कुछ लगे सामने कोई खड़ा है। सर, सावन। सर मैंने ये सीखा है कि कोई भी गाना अगर गा रहे हो तो फील के साथ गाओ, नहीं तो मतलब जो भी बैठे उनके हार्ट को टच होना चाहिए। क्या बात है, हार्ट को तो टच हुआ यार, लेकिन सुर भी लगेंगे तो मतलब वो मिठास होना चाहिए सुर में। लेकिन लेकिन यार आपकी गायकी में लिमिटेशन है दोस्त, उसका क्या किया जाए? आप गाते हुए मुंह बहुत बनाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लगते ढूंढ रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं सर, मैं सोचा एक्सप्रेशन दूंगा तो आप थोड़े नहीं, वो तो अच्छा। सब अच्छा कर रहे हो, जो साइड में ले जाते हो किसके लिए वेस्ट करते हो? वो सांस नहीं आती है इसलिए। हाँ, ऐसे टोपी बाबा से तो नहीं सीखा ना? एक बाबा आए थे टोपी वाले, वो भी माइक कैसे पकड़ते थे? हिमेश सर। अरे मैंने नाम लेने को बोला था यार, तुम भी बस इतनी ओपन बात करते हो। सॉरी सॉरी। आपने कभी कोई वीडियो में भी देखा है किसी को इस तरह एक्टिंग करते गाते हुए इस ऐसी गाने को? नहीं सर, बस एक्सप्रेशन देते वही देखा ऐसे। कौन सा एक्सप्रेशन? फिर देखा वो वाला, ये वाला। आप फेस को ऐसे मत बनाओ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और रियाज करो और अच्छी तरह। लेकिन पाजी मैं चाहता हूँ कि एक बार ये जाए यहाँ से। जाना तो चाहिए इसको, इतना चप्पल पहन के आ गया कोई ऑडिशन मतलब करने आया हो। और गाते वक्त भी आप मतलब ऐसे, मतलब एक मतलब बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं? अच्छा, तुम जॉगिंग करते हो? करता हूँ सर। वहाँ से यहाँ तक भाग पाओगे? सर मैं बहुत फास्ट भागता हूँ। वहाँ से यहाँ तक कितनी जल्दी आ सकते हो? बहुत, मतलब सात चक्कर लगा के भाग के इधर आ। First contestant has been selected. Next contestant, please. मेरा नाम है वैशाली, मैं कर्नाटक से आई हूँ, उत्तर कन्नड़ के डिस्ट्रिक्ट कुमटा से, एक छोटे से गांव से आई हूँ। हमारे गांव से मैं पहली हूँ, इसलिए एक आशा है कि एटलीस्ट एक सेमीफाइनल तक मैं पहुँच जाऊँ, एक आशा है। मेरे पापा एक बात बोलते थे, डांस तो आप शादी होने तक कर सकते हैं, पर संगीत को एक क्या कहते हैं, डेथ ही नहीं है संगीत को। तेरे दीदे मने ओ बाती थी। थोड़ा तो नर्वसनेस है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ, 100% देने के लिए ट्राई करूँगी। तेरे दीदे मने ओ बाती थी।
हमारा दरवाज़ा ओपन है, सो आप आ सकते हैं। आप आने के वजह से हमारा घर में लाइटनिंग। सो थैंक यू, थैंक यू। वैशाली जी, आपकी आवाज़ बहुत पाक है, बहुत प्योर है, बस आपको सिर्फ सीखना है। नहीं, फास्ट सॉन्ग भी गा लेती हूँ। नहीं नहीं, वो सही नहीं, वो तो आप जरूर, आप कुछ भी गा सकते हैं। ट्रेनिंग दिया तो सीख लूँगी, तो एक और मौका चाहिए था। हाँ, सो अगर आप ट्रेनिंग लीजिए, आप सीखिए, मुझे आपके जो तैयारी है आपकी उसमें थोड़ी कमी लगी, वो कमी आपको पूरी करनी पड़ेगी। एक और चांस दिए तुम। आपको देख के एक बहुत ही प्यारा सा हिंदुस्तान नज़र आता है, और अगर आपने पूरे इंडिया के लिए गाना है तो ज़रूरी है कि हिंदी उर्दू आपको थोड़ी और क्लियर करनी चाहिए, और क्योंकि आप पूरे गांव को हमारा नमस्कार ज़रूर कहिएगा। हमें बहुत ही अच्छा लगा आप वहां से आए हैं, और पूरे हिंदुस्तान आपको आज देख रहा है, और मेरी तरफ से भी बस आपको बहुत 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 प्यार। वैशाली, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे आपको कुछ खिताब देना है। वाह। देह छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा, चांद तारों को चुनी की आशा। मैं इनको कोयल कैसे बोलती ना, कोयल। हाँ हाँ हाँ। मैं कोयल का खिताब देना चाहता हूँ। अगले को पेश किया जाए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मेरा नाम दीपक है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। क्या सुनाइए आप? दीवाना तेरा। अच्छा, सुनाइए। याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है, होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। दीपक, I could not feel it. जो फील है वहीं पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी मार लगी है। मामला अटक रहा है। ये गाना हर कॉन्टेस्ट में आता ही है, बिकॉज इसमें रेंज पूरी तरह दिखाई पड़ती है सिंगर की। जब भी किसी ने ये गाना परफॉर्म किया है तो इस तरह का माहौल बना है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सिवाय आज के। वी रियली फीलिंग फॉर यू, बट ब्रदर, हार्ड लक दिस टाइम। कंपटीशन बहुत ही टफ है। मेरे पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हैं। बाहर थोड़ी टेंशन है, सभी इस मंच के स्टैंडर्ड को जानते हैं, तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन जूरी के सामने जाते ही कमियां दिख जाती हैं। इसी बीच अब बारी आई है हमारी अगली कंटेस्टेंट की। मेरा नाम अभिलाषा चेलम है और मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे सारे गामा पा में ही आना था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है शो, तो इसलिए मुझे लगता है कि और बूस्ट मिलेगा मुझे अपने टैलेंट पर। नमस्कार, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अभिलाषा चेलम। अभिलाषा चेलम, यू आर फ्रॉम? Actually born and brought up in Pune and just shifted to Bombay for music sake. Acha, to kya sunane ka mood hai aapka? Lavani pesh karne. Sur, tempo sab check karke phir shuruaat kijiye. F. Aha. O chaitra Pune vichi raat aaj aliya barat ghad ghad kaal jat maja maina. कथी कौ कुठ कस जीव झाला येड पिस त्याच नाही भर बस तुल राईना राखली की मर्जी तुमच्या चवडीन मी आले फिरतीच्या या रंगी राया चिंबोली मी झाले राया सोडात तरी काळ येळ नाही भरी पुन्ह पेट कव तरी साजणा मला जाऊ द्यान घरी वाजले की मग फिरता असं काय करता दाजी हिला
फार चांगला माइंड ब्लोइंग एकदम मस्त आता आम्हाला कुछ और मूड है आपका कुछ गाने का हिंदी पण पाहिजे अभिलाषा लता मैं क्यों गाना गाओ ना आप लता जी के सामने गा चुकी हैं वाह कैसा लगा एक्सपीरियंस इट वाज लाइक मेस्मराइजिंग आपको कुछ ज्ञान मिला वहां से उस समुंदर से एक बूंद As she heard my voice, she told me, you'll soon sing your own songs. God is great. God is great. What a major, that's such a huge compliment. बहुत बड़ी बात. Yeah. क्या बात है. वाह. And I had sung the most oldest composition of hers, that was Reshma aur Shera se Tu Chanda Main Channi. वो ही सुना दीजिए ना, मजा आएगा. Okay. कर अभिलाषा पहुंच चुकी हैं हीरो होंडा सारेगामा पा के मेगा ऑडिशंस में जहां उनका मुकाबला होगा देश भर से चुने गए राइजिंग स्टार्स के साथ और कितने राइजिंग स्टार्स चुने जाएंगे मुंबई से जानेंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द मुंबई ऑडिशंस ऑफ हीरो होंडा सारेगामा पा सिंगिंग सुपरस्टार यहां आए हर सिंगर का अपना अलग अंदाज है जो संगीत के साथ जुड़ी मस्ती को दर्शाता है नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज हेलो सर नमस्कार प्रणाम महोदय प्रणाम सर आज क्या गाएंगे आप कुणाल सर एक्चुअली आई विल डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर यू दैट इज मैंने क्या किया है यार नहीं सर यू आर माय फेवरेट थैंक यू सर मच अप्रिशिएटेड द सॉन्ग्स नेम इज बहने दे मतलब बहन मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं बहने दे पानी को बहने दे अच्छा आपने क्लियर कर दिया मैं टीवी में बहुत परेशान होता था कि ये क्या है बहने दे क्या समझ रहे तो क्या बात ये सबसे बेस्ट 10 पॉइंट्स कुणाल जी या तो बहने दे या रहने दे चले चले
चलो शुरू करते हैं जी। अरे आंख से बूंद गिरा कोई उम्मीद कर, मुझे क्यों डेडिकेट कर रहे हैं? मैंने क्या किया? उम्मीद को आग लगा जरा, बहना की प्यास बुझा जरा, गना इतना बरस के बहने लगूं मैं पानी के ऊपर चलने लगूं। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे, रहने दे, रहने दे तू, रहने दे तू, रहने दे। एक और मौका मिले, एक और एक मौका आप दो गाओ यार। कौन सा गाना गाओगे? कौन सा गाना? किसका? आजमाले, आजमाले। पहले कह रहे हो बहने दे, अब कह रहे हो आज माँ ले, आज माँ ले, मतलब क्या है? आई लव यू, आई लव यू। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज यार आ जिंदगी में आना। या अली रहम वाली, या अली ये मेरी जान, ये जिंदगी इश्क बयां, मिटा दूं मैं अपनी खुदी। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बान है सभी। ना अच्छा, कहाँ से सीखा? नेक्स्ट कहाँ है? क्या नाम है? रुपेश बांगर। कोई उस्ताद मारा अभी तक? नहीं मारा उस्ताद। कुछ हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बता, चांद के देश में दिल मेरा बॉम्बे में उस्ताद हैं, दो चार नाम बदम बताऊंगा, उसको तुम ही मार सकते हो सिखा के। हाँ, क्या बात है, चले जाओ। क्या नाम है सर आपका? नाजिम अली सिद्दीकी। और आप सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। हां सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये जी शोएब अख्तर साहब की तरह लगते हैं आप थोड़ा। हां बिल्कुल वही, छोटे शोएब अख्तर। बोलिंग आती है? सॉरी सर, मैं सिर्फ सिंगिंग। आप उस पे ध्यान देते हो यार? मैं खाए बिना रह सकता हूँ पर गाए बिना नहीं रह सकता। बस चश्मा तो लगा ले भाई। वही लगेगा, नहीं जगह वही है चश्मे की, चश्मा लगा के वही वही ठीक है वही। आपकी तैयारी से मैं समझ गया हूँ कि क्या बात है। वाह, लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जान, मांगे तेरी खबर, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। लगन लगे तुमसे मन के लगन,
लगन लागे तुमसे बनके लगन लगन लागे तुमसे बनके लगन यार तू शेर है नाज़िम, पूरा मामला उल्टा कर दिया। मैं बोलूं, मुझे तो लगा ही नहीं था गाएगा अच्छा। तोए बख्तर जिस तरह आजकल बोलिंग कर रहा है उससे बहुत अच्छा आप गा लेते हो। बहुत अच्छा। आजा 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 ले इसको। तेरे बिन मेरा मन जैसे वन में हिरन जैसे पगली पवन लगी तुमसे बन के लगन लगन लगी तुमसे आगे आज का राइजिंग स्टार। अच्छा सबको आपने तो हिला दिया अंदर। मैं आपकी एक बात बोलूं कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आए पर सब बोल रहे थे कि आवाज बैठ गई, हम पूरे दिन यहाँ पे बैठे थे। आप कितने घंटे से यहाँ बैठे हैं? मैं तो 4 दिन से आया हूँ यहाँ पर। 4 दिन से आया है लड़का और आपने ऐसा गाया है, ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा गाया, आपको मिलने के लिए। सारे गामा पाक की जमीन है ना, बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। यू नो दिस इज व्हाट वी कॉल टैलेंट। सर आपका हाथ रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर। अरे मेरी पांव भी ले जा यार। नाज़िम की मेहनत तो रंग लाई लेकिन मुंबई में नाज़िम की तरह ही ढेरों ऐसे कंटेस्टेंट्स आए थे जो पिछले कई घंटों से म्यूजिक का सबसे बड़ा ब्रेक पाने के लिए लाइंस में खड़े हैं। कल से दोपहर से हम लोग धूप में खड़े हैं यहाँ पे एंड अभी बहुत काफी लाइन लगाई हुई है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए। 3 बजे से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, पता नहीं ऑडिशन शुरू होने में बहुत टाइम है। इतनी परेशानियों से गुजरने का फिलहाल एक ही मकसद है, राइजिंग स्टार बनना। मैंने पिछले 2 सालों से 3 सालों से सब कुछ छोड़ रखा है सिर्फ यहाँ पहुँचने के लिए। और यही बनने की उम्मीद लिए अब हमारी जूरी के सामने आ रहे हैं जयपुर के रंजीत रजवाड़ा। लोगों का बचपन जहाँ खिलौनों से बहलता है वहीं इन्हें छोटी उम्र से ही सिर्फ संगीत ने बहलाया है, मुस्कुराना सिखाया है। जी 4 साल का था तो उसके पापा प्रैक्टिस करते थे, फिर भी बैठता था। जब मैं रियाज करता था तो फिर ये आकर के मेरे पास बैठ जाता था, कभी हारमोनियम बजाता, कभी गाने की कोशिश करता, तो उसके बाद फिर मैंने इसको सिखाना शुरू कर दिया। मुझे गजल से बहुत ज़्यादा प्यार है और गजल मेरी रूह तक है। मेरे दोस्तों की गजलें सुन सुन के ये छोटी उम्र में इतना पक्का हो गया कि खुद हारमोनियम बजा करके खुद कंपोजिशन कर लेता है गजलें। लोगों को चल गया एक शौक, चल गया गजल गाने का, गाते हैं, कुछ ही सक्सेस होते हैं उन लोगों में जिसमें ये लड़का भी है रंजीत भी, ये हो सकता है कि इसको कुदरत की देन है, समझता है स्वर में। राष्ट्रपति अवार्ड मिला इसको, मैं भी जाती हूँ उसके साथ साथ प्रोग्राम सुनने के लिए, अच्छा लगता है। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं आ रहा हूँ कुछ नया लेकर, बाकी सब आप सभी के हाथ में। जितनिया तेनू मेरे ते लगिया ते तेरे एक लगे तो तू जाने
गुलाम फरीद दिल ओथे दये जिथे अगला कदर भी जाने। कितना लगा सल पारा पारा हुआ पैरा निजान पारा पारा क्या बात है हुआ पैरा निजान फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा पारा पा हुआ पैरा हनी जान फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा पारा पा मुझे छोड़ गए चारा गरा परा परा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। हम सुन रहे हैं तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि जो सुन रहे हैं वो आपको ठीक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बहुत बहुत खुशी होती है सर आप जैसे के सामने गाना बहुत इतना अच्छा गा रहे बेटा, इतना कमाल सुभान अल्लाह। दा दिक्का दिक तिकड़ा टिक दिन दर लड़दा कोई आहट ना इशारा ना शरा कैसा वीरा सवेरा है दस्ते इमकान फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा पारा पारा। ऐसा लगा कि मैं कोई शो देखने आया हूँ अभी। अगली बार आप परफॉर्म कर रहे तो बोला ना हमको। लेकिन एक बात बताऊं यार, मगर दिलेर भाजी लड़के को इससे बढ़िया इसकी गायकी की इज्जत कोई क्या दे सकता था जो आपने इसके साथ अपनी आवाज मिला के दी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। तेरे बिना उदास मैं मांगे वे मैं दीप जलावा ओ सिया पावा राह निहारा माही वे ये जो गाना है ये जो अंग है ये उस्ताद तफैल नियाजी खान साहब का अंग है। वो बहुत ही विडार अंग गाते थे, इसको विडार अंग बोलते हैं हम लोग, और ऐसा गाते थे कि जिसको सुनने के लिए उस्ताद नज़ाकत अली इस्लाम बख्तर खान साहब, हुसैन बख्श साहब, छोटे गुलाम अली साहब और एक और छोटे गुलाम अली साहब हुए हैं जो कि कसूर से थे, तो ये सब लोग तफैल नियाजी साहब को अपने पास घर बैठ के कहते थे कि पाजी सुनाओ। तो उस्ताद लोग तफैल नियाजी साहब को सुनते थे ऐसा फोक, और उनका फोक ही ऐसा होता था कि बिल्कुल क्लासिकल से भी ऊपर लगता था कि क्या गा रहे हैं। और आप खुश रहो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू सर। एक काम करो आप अभिषेक, इससे पहले मैं कुछ बोलूं डराऊं आपको, आप आओ इधर और ये ले जाओ। ये हौसले है कौन जो हमको रोक ले। इन जो कण सुर होते हैं ना, तो थोड़े कम थोड़े ज्यादा, अगर वो अगर आप करेक्ट कर लोगे ना तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। मेरी तरफ से यस। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू।
मंजूर है राइजिंग स्टार? यस सर। देन कम। चीयर्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, सो प्लीज कम। अगले कंटेस्टेंट को बुला सकते हैं? नमस्ते, नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? जी मैं रागिनी प्रताप सिंह। क्या गा रही हैं आप? जी मैं सूफी गाती हूँ। सूफी का अच्छा। मतलब क्या? सूफी मतलब अल्लाह के शान में, या तो जिसे हम भगवान मानते हैं, उसे इस तरह से प्यार करना है कि जैसे रूह का रूह से मिलन होना चाहिए, और जितनी तड़प है उतना ज्यादा प्यार है। तो मैं उसी तड़प के साथ गाना चाहूंगी, इंशाल्लाह आप पसंद करें। अपनी भूल गई छाप तिलक सब छेड़ी बोले नैना में लाई के छाप तिलक हो छाप तिलक हो छाप तिलक सब छेड़ी बोले नैना में लाई के छाप तिलक सब छेड़ी बोले नैना में लाई के खुसरो निजाम के बल बल जाए बल 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 कॉन्टेस्ट में आई है, ऑडिशन में आई है, वगैरह वगैरह। सॉरी सर। मैंने सॉरी क्यों बोली? मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है, हम भी भूल गए, और मैं पूरी तरह से बह गया था आपके आपके इस जुनून और आपके इस जज्बे के साथ। आई हैव टू से, पता है सुर काफ़ी गए हैं, लेकिन आप जेन्यूनली एक परफॉर्मर है। अगर इस जगह में आज 5,000 लोग भरे हुए होते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कूद रहे होते आपके साथ। बिल्कुल। ओके, आपका परफॉर्मेंस कमाल था, मेरी तरफ से 100% यस है। थैंक यू। दिस वाज अ कंप्लीट रॉकस्टार परफॉर्मेंस। जी थैंक यू। लेकिन सुर वो भी ध्यान में रखना है आपको। प्रेशर इतना था सर जी, पहली बात तो ऐसा नहीं लग रहा था, प्रेशर ही नहीं लग रहा था। नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले दलहर मेहंदी साहब के बारे में, अभी हाल ही में आप जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आए थे, मुझे आपका शो देखना था। मैं जलगांव में हॉस्टल में पढ़ती हूँ अभी, बिना चुनाव था कि हमको इतने पैसे खर्च के लिए दिए गए थे, तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि मैं ये पैसे खर्च करके मैं आपका प्रोग्राम देखने जाऊँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं, टिकट महंगी है, नहीं जाना चाहिए। किस्मत की बात है, मैं ऑडिशन के लिए भी आने वाली नहीं थी, और आ गई। और जब यहाँ पहुँची, मेरे लिए ये मंच भी बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मैं 5 साल से ट्राई कर रही हूँ। मतलब किस्मत की बात है, मुझे आपको देखना था,
देख लिया। अभिदा जी का नाम सुना है, अभिदा परवीन जी का? हाँ हाँ, मैं ये गाना उन्हीं का ही सुना, उन्हीं का ही गाना। हाँ, मैंने तो उनके उनके सुर कितने पक्के और क्या आवाज है आपने सुनी है, वो आपको सीखना है अभी मेरी तरफ से। इल बी अ नो, माफी चाहता हूँ। मेरी तरफ से तो यस है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप रहो और जितने दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनको दिखा दो कि ये क्या होता है, ये ऐसे ही नहीं गाया जाता और ये ऐसे ही आम फेम कोई भी आके नहीं गा सकता। तो यू've got guts and you've got talent, you have to show it to you man. देखो मेजॉरिटी तो इसकी तरफ आई है, बट मैं दिलेर भाजी और शेखर से परमिशन लेना चाहता हूँ कि शेखर अगर आप लोग इच्छा रखें तो वी वुड अप्रिशिएट। गाना हमारे घर में परंपरा से चला आ रहा है और नेचुरली उसके ब्लड में वो गाना आ गया। बचपन में स्कूल में गाती थी, जैसे जैसे वो कॉलेज में गई गाना डेवलप होता गया, वो स्पर्धाओं में भाग लेने लगी, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने लगी। मैंने सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक दोनों साल मैंने मेडल लिए है, सिल्वर गोल्ड। जीवन मैं जब भी कोई गजल गाता हूँ, गजल गाता हूँ, कव्वाली गाता हूँ तो उसको ऑटोमेटिक वो फॉलो कर लेती है। मैंने एक साल जब संगीत सीखा उसके बाद मुझे कोई गुरु नहीं मिला, तो मैंने आबिदा परवीन जी, हिला अरुण जी, उनको द्रोणाचार्य की जगह पे रखा और अपने आप को एकलव्य की जगह पे रखा। मैं छोटे से गांव से थी इसलिए पढ़ नहीं पाई और कुछ क्लासिकल भी नहीं सीख पाई, जो मुझ में वो कमियां रह गई तो मैं रागिनी को किसी तरह से पूरी करूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे गामा पा जैसे एक बड़े प्रोग्राम में जाए और पूरे वर्ल्ड में दुनिया में अपना नाम बनाए, ये मेरी ख्वाहिश है। वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामा पाया सिंगिंग सुपरस्टार। ब्रेक से पहले रागिनी ने हमारी जूरी के सामने परफॉर्म किया। एज अ परफॉर्मर सभी को उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई। विशाल और वाजिद ने रागिनी को यस कहा है लेकिन शेखर ने नो। रूल्स के मुताबिक राइजिंग स्टार बनने के लिए सभी जजेस का सहमत होना जरूरी है। अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि अगले राउंड में और मेहनत करके आप वो भी पास करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ पाजी आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार फिर यही वाला। खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बल बल जाए, बल 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 जाए, खुसरो निजाम के जिनो ऐसो सुंदर प्रीतम पायो। आजा रागिनी, आजा आजा। खेलो रे चिश्तियो हो रे खेलो जवा, खेलो रे चिश्तियो हो रे खेलो। थैंक यू सो मच। खेलो रे चिश्तियो हो रे खेलो, हो रे खेलो, हो रे खेलो, हो रे हो रे हो रे खेलो, हो रे हो रे खेलो साथ। खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, जाए बल जाए, जिन सुहागन कर दी आसमानी पर। पर ठीक है, खुशी के है, मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, फिर और ज़्यादा करनी है सीखने, सुर पक्के लगाने। उन्होंने बोला मैं लगाऊंगी, सुर भी लगाऊंगी, अब जान भी लगाऊंगी।
Can we have the next contestant, please? Namaskar. Namaskar, sir. क्या नाम है सर आपका? विनीत. विनीत. मैं आतिफ का बहुत बड़ा फैन हूँ सर. ये फिर से सर फरमाइएगा. मैं आतिफ का बहुत बड़ा फैन हूँ सर. उस्ताद आतिफ का ये बोलिए ना. मैं उस्ताद आतिफ का बहुत बड़ा फैन हूँ सर आतिफ का. लेकिन उसके साथ लेकिन आप तो नाम बगैर कान छुए ले रहे हैं यार. आप दोनों कान पकड़ो. हाँ आप बोलिए. मैं आतिफ का बहुत बड़ा फैन हूँ सर. अब क्या बोल सकते हैं आप. इसी में आप चैंपियनशिप जीत गए यार. कभी इनसे रूबरू हुए? नहीं सर अभी तक. अरे चलिए मैं उनकी बनियान कभी मंगवाऊंगा आपके लिए. थैंक यू सर. आतिफ का डीप सॉन्ग सर आदत. डीप सॉन्ग? डीप सॉन्ग मतलब क्या है? तो स्लो वर्जन है. समंदर का? नहीं मतलब डूब मरो वाला गाना है वो. एक मिनट सुर तो देख ले मेरे भाई. अच्छा चलो चलो. दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में रुक जाओ तुम अभी. सिंगिंग सुपरस्टार बहुत दूर है आपसे. तो आप पूरी उस्ताद की तरह नहीं निकाल पा रहे हो. हाँ. थोड़ा और रियाज करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट टाइम. ख मेजर में गा सकता हूँ. ख मेजर में क्या हो रहा है? नहीं ये संगीत. ख मेजर दीजिए प्लीज. ख मेजर. हाँ करेक्ट है. बस एक एक. प्यारे प्यारे ओके स्टॉप. थैंक यू. थैंक यू. बाय सर. एक बार सर. अच्छा दूसरा गाना जल्दी से. प्रीता की लत. ओके थैंक यू. थैंक यू. कैन वी हैव द नेक्स्ट वन प्लीज. कौन सा स्केल क्या है? जो फ्लैट. भैया सारे गामा पादा नीसा होता है. ये झा क्या है? जी फ्लैट सर. जी को हिंदी में झ बोलेंगे. नहीं इनके लिए झा फ्लैट लगाइए. वो वो तेरे गो 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 सुनो फेस उधर करो. हाँ अब टंटन इधर मुंह आएगा ना. टंग टना वाला चल इधर मुंह करके जल्दी करो. हाँ हाँ चलिए चलिए. ये इसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ. ये आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी तोड़े कोई गुड़लक निकाले आज गुड़लक तो पोड़े. आज आज क्या है? ताला मेरा तेली का तेल. मुँह इधर. रुक जा मेरे भाई. थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. नमस्कार शुरू कीजिए. नमस्कार शुरू कीजिए. प्लीज शुरू कीजिए. शुरू कीजिए प्लीज. अच्छा से फ्लोरे तो फेदे दे यो मेरा मोरे हीरा. से फ्लोरे तो फेदे दे यो मेरा मोरे हीरा. से फेदे ले फ्लोरे तो मीना मोरे रो Keep going, please. Keep going. My heart, it speaks a thousand words. I feel internal bliss. The roses spout that scarlet mouth like offering a kiss. No drop of red, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, wow. Then I'm in love for sure. Oh!
जुबान पर मोरे दिल में कहीं एक तीर जो था आया है कमान पर सुन सुन रे सजन रहे जन्म जन्म हम प्रेम नगर के वासी थामे थामे हाथ रहे साथ साथ कभी दूर ना हो नजरा से चलू जो बात कही आई है जबान पर क्या बात है ओके आई नीड टू नो वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम मुंबई व्हाट्स योर नेम मुग्धा हु हैज ट्रेन्ड यू ऑपरेटिकली लास्ट ईयर आई जॉइंड केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी व्हिच इज इन चेन्नई आउटस्टैंडिंग वन सेक केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी ये क्या है आप हमें बताएंगे ओके केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी इज इन Institute, the principal of the institute is Mr. A.R. Rahman. Yeah! And that was beautiful, Mukta. Truly beautiful. Thank you so much. Thank you. The opera piece was Italian, right? Yeah. What other languages do you sing in? I can sing in Hindi, Marathi, English, French, I sang once, German and Italian. And for some friends, I sang in Tamil, Telugu. बस एंड राजस्थानी इज दैट इट एक्चुअली आई एम एन ओपेरा सिंगर नहीं अभी आप तो सिंगिंग सुपरस्टार हैं गुड फॉर यू मुग्धा तो आपको बहुत जरूरी है आगे आना और सबसे अच्छी बात ये है कि शी नोज व्हाट शी कम ऑन एंड यू आर अ राइजिंग स्टार सो थैंक यू ओके तो आइए और स्टार ले जाइए अब पंख है ये हौसले है कौन जो अच्छा आप दर्शकों को समझाएंगे कि ओपेरा का मतलब क्या है ओपेरा मतलब एक नाटक जैसा होता है जिसमें जो सॉन्ग्स होते हैं उनको आरियाज बोला जाता है और वेस्टर्न क्लासिकल का ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है ओपेरा चलो वेरी गुड आप राइजिंग स्टार बन गए राइजिंग ओपेरा स्टार बन गए अब पता नहीं और कितने स्टार्स लेंगे आप ऑल द बेस्ट यू मुग्धा ऑल द बेस्ट यू वेस्टर्न म्यूजिक तो आपको मुग्धा ने सुना दिया अब बारी है वेस्टर्न कंट्री से आए कुछ कंटेस्टेंट्स की सिंगिंग सुपरस्टार बनने का सपना इन्हें सात समंदर पार इंडिया ले आया है मेरा नाम है नील सेन गुप्ता और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ मैं सिंगिंग सुपरस्टार बनना चाहता हूँ और मुझको लगता है क्या मैं सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं पूरे देश विदेश सब पूरे वर्ल्ड को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ I've got 100% faith on my son that he's going to win. So let's hope that he will win. I am her 25-year project. So, jo bhi maine sikha hai, sab maa se. She's my guru. Aur jo bhi main dikhane wala hu, wo sirf uske liye, sirf maa ke liye. Mujhko lagta hai ki mujhme jo hai, वो सिर्फ इंडिया से नहीं लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री में भी जो आता है वो भी मेरे पास है और दोनों एक साथ जुड़वा करके मैं एक ओवरऑल सिंगिंग सुपरस्टार बनना चाहता हूँ हाय हाय हाउ आर यू वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ आई एम फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया और सीखा है आपने वहाँ माई मॉम इज़ अ क्लासिकल सिंगर ओके उसने संगीत प्रभाकर और रविंद्र संगीत में स्पेशलाइजेशन किया था I grew up with R&B, hip-hop, maine choral music kiya tha. Yeah, and I did, I was a tenor, I'm a tenor in my choir. Mm-hmm. Okay. And main Hindi janta hi nahi. Ghar mein to Bengali mein hota hai. Aur wo bhi bahut kathin se maa ne mujhko aur mere bhai ko sikhaya. Neil, you have a great attitude, Neil. Thank you, sir. Bahut great.
बहुत खुश मिजाज हैं आप लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू सिंग नील व्हाट आर यू गोना सिंग टुडे आई वुड लाइक टू सिंग रिश्ते नाते फ्रॉम द मूवी दे दनादन बाय राहत फतेह अली खान प्लीज प्लीज You and I will be together till the end of time. I promise I will never let you go. One sec. Just get it together with us. No worries. You and I will be together till the end of time. I promise I will never let you go. Now that I know you love me, you and I. We'll be together till the end of time. I promise I will never let you go. Now that I know you love me, mere piche piche baaki saare bandhan tod do. Jo tere tak na jaaye, us raste ko chhod do. Har khwab mera, ummeed meri, main tujhse jod do. सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं ओके नील आई एम सॉरी बडी दिस डजंट सीम टू बी वर्किंग आउट मैन आपने शुरुआत की गलत सुर से जो बाकी का गाना था वो बिल्कुल ढीला और लैक लस्टर परफॉर्मेंस था आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक यू आर इन अ स्पेस वेर आप हिंदी गाने गाएं और आप सिंगिंग सुपरस्टार बन पाएं एट दिस पॉइंट तो एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स अ नो आई हैव गॉट 100% फेथ ऑन माय सन दैट ही इज गोइंग टू विन सो लेट्स होप दैट ही विल विन Tell me one thing, with your choir, what do you sing? Sir, we sing Western classical. Our request from all participants is that whatever you sing, whatever language you sing, whatever you sing, good sing. That's all we want, right? If you feel you want to sing an R&B song and that'll make you feel better, knock yourself out. Gotcha. 6 o'clock in the morning, wipe the sleep from my eyes. See, buddy, you're losing Fell. It. No. 6 o'clock in the morning, wipe the sleep from my eyes. You don't lose the notes in between. And when you're doing it, you punch out the rhythms. So it's, you're not, you know, you get what I'm saying? Yes. You're not ready for it yet. Aap agli baar aaye to puri taiyari se aaye aur sabka dil jeet le inshallah. Bilkul. Thank you so much for coming. Thank you, sir. Thank you. Cheers, thank you. Thank you. Okay. Rab rakha. जो जजमेंट दिया था मुझको लगता है वो ठीक नहीं इट्स नॉट राइट विशाल जी जब बोल दिया क्या तुमको नहीं होगा बस चार भी लाइन पे आ गया आई गॉट शट डाउन टुडे डोंट वरी इट्स जस्ट नो आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स नॉट फेयर नाउ यू गिव इट अ गो एंड दैट्स इट दैट्स ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट एंड दैट्स द ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट एनीवे बेटर लक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज सुर तो खैर बहुत जगह पे गए हुए थे ड्रॉप भी बहुत आया सांस में भी ड्रॉप लेवल में भी ड्रॉप आया आपके मोर और लेस आई एम नॉट हैप्पी विद द सॉन्ग आपको और रियाज करने की जरूरत है आपको और मेहनत करने की जरूरत है इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा सुर के बहुत पंगे हैं फिर आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी आज के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जॉब छोड़ के आया वहाँ से सिर्फ ये एक ये बात गलत है जिस काम ने आपको रोजी रोटी दी है उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाना ये गलत बात है पर इस मंच पर और हम पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने ये किया ये गलत है दैट्स नॉट राइट हिम्मत टूटी नहीं है उम्मीदें और अभी है मंजिल खुद कल हमें पहचानेगी नेक्स्ट सिंगर प्लीज मेरा नाम रिनी है और मैं वैंकूवर कनाडा से आई हूँ मैं सारे गमप्पा में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई कैन बिकम द हीरो होंडा सारे गमप्पा सिंगिंग सुपरस्टार जय
कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग मेकअप करके सुंदर बनाए। मन में मेरे हमेशा ये होता था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ और सारेगामा पा में तो बस जाना ही चाहती हूँ। आई एम सो ग्लैड कि मैं सारेगामा में हूँ और किसी शो में नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम रीनी चंद्रा है। क्या कर रहे वाली आप? मैं रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भवरा बाबरा। आप लोग इतने सारी दूर दूर से आ रहे हो, आप लोग सारेगामा में ही क्यों आ रहे हो? ओ सारेगामा में तो मुझे, मैं एक्चुअली मुझे बड़ा लंबा बताना पड़ेगा। अच्छा चलेगा? जब मैं छोटी थी मैं तब से सिर्फ सारेगामा पाई, ऑब्वियसली क्योंकि और कुछ आता नहीं था पहले रियलिटी शो, तो मैं हमेशा सारेगामा देखती थी और मुझे लगता था कि मैं वहाँ पर जाऊँ हमेशा। जब से सोनू निगम जी थे ना तब से लगता था। तो मैंने एक बार वो आए थे नाइजीरिया में तो मैंने उनको बोला था कि मैं जाऊँगी, लेकिन तब तक वो चले गए वहाँ से। बट होपफुली अगर मैं सेलेक्ट होगी तो उनसे मिलूँगी। आप तो वैंकूवर से ना, आप नाइजीरिया में क्या करती? एक्चुअली मेरे पापा, अब ये भी लंबी स्टोरी, तो मेरे पापा, आपका नाम क्या है? बसंती। तो मैं क्या बोल रही थी? बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है, आप गाना सुनाइए। हाँ जी, एफ प्लीज। रोज रोज डाली डाली क्या, सॉरी वन सेकंड, आपने बीच में बोल दिया। किसने बोला? किसने बोला था? कुछ नहीं बोला हमने, तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं आई थिंक, नहीं नहीं, मैं माफी चाह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या बातें बोला था थोड़ी देर बाद बोलना जब मैं थोड़ा सा। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, गलती होगी, माफ कीजिए, सॉरी माफ कर दीजिए। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भवरा बावरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम क्या बातें बोल सकता हूँ? अगर आप इजाजत दो तो। अब आप बोल सकते हैं। बोल सकता हूँ ना पक्का? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। सीरियसली बोल रहे हो ना? अभी अभी यार कमाल है, पहले ही कचरा कर दिया क्या बात का, और अभी बोल रहे सीरियसली। आपने गाना सीखा है? एक्चुअली मैंने 3 साल पहले ही स्टार्ट किया, ये भी लंबी स्टोरी है। अच्छा। अरे यार वो सही बोला था विशाल ने, बोला ना बसंती तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोलूं? जी बोलो। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, अभी जब मैं 3 साल पहले मैंने रेडियो पर गाया था तो मेरे गुरुजी जो हैं श्री देवेंद्र हंडल जी, उन्होंने मुझे सुना और कहा कि तुम्हें सीखना चाहिए। वैसे जब मैं स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी ना बचपन से, तब मुझे मेरे हर टीचर बोलते थे कि तुम क्लासिकल सीखो। I can't actually, I'm sorry, रिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई एक्चुअली इतना बसंती लाइक एक्चुअली हो सकता है। आपने शोले देखी है? मुझे इतना डर लग, फिल्म के बाद पहली बार हम लोग लाइव, पहली बार लाइव बसंती। चलो जान दो भाई, इनकी स्टोरी को शॉर्ट करो। विशाल भाई आप बताइए क्या बोलना है बच्चों के लिए? मेरा वोट यस है। मैं तो एक्चुअली ना, मुझे इतना क्या बात है क्या बात करने का वो हुआ कि मैं चाहता हूँ कि आप एक मुखड़ा और का ही गाइए। किस तरह का सुनेंगे आप? फास्ट या किसी चीज का भी मुखड़ा गा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे बसंती, जिसका मुखड़ा अच्छा लगे आपको, जिसकी स्टोरी शॉर्ट हो। आइए मेहरबान
चलिए, रिनी ने एक और लंबी कहानी बताने का मौका हासिल कर लिया है। मेरा इतनी दूर से यहाँ आना, मैं ये नहीं कह सकती कि अभी सफल हो गया। And I still have to practice and I still have to work hard, क्योंकि मुझे actually ultimate goal ये जीतने का है और playback singer बनने का। Welcome back to Hero Honda Saregama Pa Singing Superstar. मुंबई ऑडिशन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। बहुत सारे सिंगर्स राइजिंग स्टार बन मेगा ऑडिशन में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, तो कुछ कंटेस्टेंट्स अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब बारी है उज्जैन के अपूर्व की। अपूर्व जब पैदा हुआ था तो मम्मी ने बोला है, थोड़ा सा बोला नोज इसकी ठीक करना है, इसके नोज में थोड़ा सा डिफेक्ट है। जब उसको देखा तो हेयर लिप और क्लिप पे लिट था, उसके टालू से लेके उसकी छोटी जीभ तक पूरा ओपन था। अपूर्व के पैदा होने के समय मेरी फीलिंग यह थी कि ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया। बर्थ के 24 घंटे में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, उसका ऑपरेशन किया गया हेयर लिप का। हमारे पास जो क्लिप पैलेट के इस तरह के केसेस आते हैं, उसमें पेरेंट्स का ही रिएक्शन रहता है कि बच्चा बोल पाएगा या नहीं, तो हम यही समझाते हैं कि ऑपरेशन होगा तो जरूर बोलेगा। इसकी जो पहली सर्जरी जिन्होंने की थी, उन्होंने बोला था कि ये बोलेगा, और उन्होंने चैलेंज भी दिया था कि अगर इसने बोलना शुरू किया तो ये गाना भी गाएगा। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार। डॉक्टर ने बोला था इसको कंटिन्यूएशन में कुछ वॉइस इसके कान में जाने दीजिए। फिर इसके लिए मैं टेप रिकॉर्डर लेके आया, माइक का अरेंजमेंट किया, इसके पोएम्स टेप की और इसको सुनाते गए। इस तरह से अपूर्व के जीवन में म्यूजिक आया। प्यार है या सजा ऐ मेरे दिल बता, क्यों किता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरे रंजिश, सांसें सांसें टूटी बंदिश, कहीं को हर लम्हा हो जो फरियाद है किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। यार बाज कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर, ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं का सिलसिला। एक बात बोलूं अपूर्वा, तुम्हारी जो मन की आवाज हमने सुनी ना इस वक्त, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गा रहे थे, आपका दिल गा रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। बिकॉज यू नो कभी 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 बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, यू नो आप जैसे लोगों को देख के हमको लगता है कि हमको ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है। बट यू आर ग्रेट ब्रदर। बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब मैं स्टूडियो में गाता हूं तो सर बोलने में ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, बहुत बार, काफी बार मुझे टेक फिर से करना पड़ता है ठीक से सर बोलने के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों होता है, थोड़ा दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। आपने आज जो हिम्मत दिखाई है, जो हौसला दिखाया है,
मतलब बहुत बड़ी बात है और प्रणाम करने लायक बात है। सर ऐसा मत बोलिए सर, अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत सीखना है मुझे। एज अ सिंगर प्योरली आपकी आवाज की जो क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सर। डायरेक्टली आपसे बात निकली और दिल तक गई। और सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है आप में। थैंक यू सर। एक सोल आत्मा जो होती है ना वो है आप में। सर एक बात कहना चाहूँगा मैं, दिस इज ऑल अबाउट माय माँ पा और आजी जी, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता है ना। तो बस आपके साथ तो पूरे कायनात के महाकाल आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। हम लोग आपको चांस इसमें दे रहे हैं बिल्कुल हर हालत में, आगे फिर प्रभु की जो इच्छा जो कृपा। थैंक यू सर। थैंक यू। प्यार है या सजा ऐ मेरे दिल बता, क्यों किता क्यों। संगीत बाधाओं को कहां मानता है, वो तो भावनाओं में बसता है। अपूर्व चाह जिसने दिखाई उसी के कंठ से निकल पड़ता है, ऐसी ही चाह की मिसाल है अपूर्व। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत कुछ पा ली। हजारों सिंगर्स मुंबई ऑडिशन में आए, किसी के सुरों की चमक उसे राइजिंग स्टार बना गई, तो किसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारी अगली कंटेस्टेंट सुगंधा मिश्रा ने सपनों को सजते भी देखा है और टूटते हुए भी। मैं क्लासिकली ट्रेन्ड हूँ और इंदौर घराना से हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो शुरू से ही सारेगामा पा को देखते आ रही हूँ, और मेरा ड्रीम था शुरू से कि मैं एक बार अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहती हूँ। क्या खुद सुगंधा के सपने सजेंगे? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या कहेंगी आप? सर मोरे घर आए सजनवा, कल्याण जी आनंद जी की। लवली लवली। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा, डर डर घूगे कोयलिया, डर डर घूगे कोयलिया, मन मयूर नाचे आंगनवा। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा, सजनवा के मुंबई के जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि आई एम लुकिंग एट द कंप्लीट ट्री। इसमें रूट्स भी हैं और जो लीव्स भी हैं, हर चीज है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में इतनी नर्वस हूँ, मेरा ये ड्रीम था सर इस प्लेटफॉर्म पे गाना। टेंशन मत लीजिए मिश्रा जी, खुशी का वक्त है, हंसो, थोड़ा ताली बजाओ अपने लिए। आपको सिंगिंग सुपरस्टार के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। Yes! And at last I got this. ओपेरा
क्लासिकल, फोक, सूफी, संगीत के कई रंगों को अपने अंदाज में पेश कर मुंबई ऑडिशंस में ढेरों कंटेस्टेंट्स राइजिंग स्टार बन चुके हैं। ऐसे पार्टिसिपेंट मिले हैं कि जिसका हम जितनी तारीफ कर रहे हैं उतनी कम है। आई डोंट थिंक किसी भी भारतीय रियलिटी शो में किसी ऑपरेटिक सिंगर ने भाग लिया है। समंदर की लहरों ने उफान मारा और कई सिंगर्स राइजिंग स्टार बन चमक उठे। म्यूजिक की नई आवाज बनने की होड़ में ऐसी करवट ली है कि बाकी शहरों के सिंगर्स की वाकई नींद उड़ गई होगी, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम मिलेंगे अगले शहर कोलकाता में।